गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपको करवाएंगे बीएससी नर्सिंग के 2018 का पेपर सॉल्व, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो वीडियो बिल्कुल पूरा लाइव देखना, क्योंकि आपको अगर पूरा लाइव देखोगे तो आप अच्छे से समझ में आएगा। और इससे कम से कम आपको 2020 एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन का मैं गारंटी देता हूं कि इसके दौरान आपको 100% फंसेंगे, लेकिन सिलेबस इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। क्योंकि सिलेबस हर बार इसी से पूछता है, सिलेबस नहीं, सिलेबस जो होता है वो बदलता किसी साल नहीं है। क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो होता है 18 में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, 19 में भी पूछे जाते हैं। और इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद समझिए, और उसके बाद आप लोग डाउनलोड करके इसकी फ़ोटोकॉपी आप प्रिंटर आउट से निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ कई बच्चे जुड़ भी चुके हैं, तो जैसा कि आप लोग हमारी आवाज़ सुन सके होंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। हाँ, खासकर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच ही रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप तक आप मैसेज आप लोग बंद कर दीजिए, मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है इसमें, अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा वो, एक सेकंड रुकना। थोड़ा ब्रश का अच्छा साइज कर लें, उसके बाद में चलता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंदुकन के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन्स ड्यूरिंग गेस्ट्रेशन गेस्ट्रेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रहा है कि 3 भ्रूणीय जनन परतों की स्थापना की जाती है। और बी ऑप्शन है, यहाँ पर 3 जनन परतों को व्यवस्थित करने के लिए कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर अधिगमन होता है। और यहाँ पर सी ऑप्शन है, भ्रूण आकार में बढ़ता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर जनन परतों के परिवर्धन भाग्य का फैसला हो किया जाता है। कंदुकाय जान लेते हैं क्या होता है। जैसा कि कंदुकाय आप लोग ये समझ सकते हैं, कंदुकाय अदरक, अदरक में ये कंदुकाय होता है, ये सिस्टम अदरक जो अपने लोगों ने जो चाय में जो डाली जाती है वही अदरक, तो उसी से ये हमारा थोड़ा काम क्यों कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि चाय में ये जो डाली जाती है नहीं कंदुकाय, तो वहां से ही होती है। तो उस क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है कि कंदुकाय के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हो जाता है कि भ्रूण आकार में बढ़ता है। द एम्ब्रियो इनक्रीजेस इन साइज, भ्रूण आकार में बढ़ता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग टिक लगा दीजिए जल्दी से, जैसा कि आप लोगों को बाद में फिर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि संबंधित जीवों को उनके
भ्रूण विदलन प्रतिमान से मिलान मिलान कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है मैच ऑफ द एम्ब्रियो क्लेवेंस पैटर्न विद द क्रेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनके सही मिलान मिलाइए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस भी देख सकते हैं, यहाँ पर पी ऑप्शन पी क्यू आर एस दे रखा है, यहाँ पर जो सेकंड में दे रखा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि क्ले की यहाँ पर ये ऐसे ऑप्शन आपको मिलाने हैं। तो इसका ऑप्शन ये भी आपको ये इसका, अब इसके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पी यानी पन से होगा, और क्यू सेकंड से होगा, और आर थर्ड से होगा, और एस फोर्थ से होगा। तो आप लोग अच्छे से मतलब समान समान पातिक चूड़ा से होगा, या फिर मध्य पातिक ड्रोसोफिला से होगा, या फिर गोला द्वपीतक मनुष्य से होगा, या केंद्र पीतक मेढक से होगा। यहाँ पर ये लोग आप देख सकते हैं ये सब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, हम आपको दिखाते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी यानी पी होगा, वो होगा मतलब जो हाँ जो पी होगा वो होगा जाके डायरेक्ट थ्री पे मिलेगा, मतलब समा पितक मनुष्य। और यहाँ पर जो क्यू होगा वो होगा फोर्थ से मिलेगा जाकर ये ऑप्शन, और यहाँ पर और जो आर होगा वो मिलेगा जाकर आई से, मतलब फर्स्ट से, और जो एस होगा वो मिलेगा कि सेकंड से, यानी दो ऊपर और दो नीचे ऑप्शन, ऐसा इस प्रकार ये भरा जाएगा, और उसका सही टिक लगाकर आपको टिक करना है। ऐसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन आपको 2020 एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है, यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में बाद में दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछ रहा है कि पौधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पौधों के बारे में निम्न में से कथन कौन सा सही है, जैसे पी ऑप्शन दे रखा है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं पी क्यू आर एस यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर फर्स्ट देगा पौधों पौधे कंदुकन नहीं करते हैं, पौधे कंदुकन नहीं करते हैं यानी प्लांट डू नॉट गैस्ट्रुलेट। और यहाँ पर क्यू ऑप्शन दे रखा है स्थलीय पौधों में युग्मकी अर्धसूत्र के बीजाय जीवाणु बीजाणु अर्धसूत्र होता है। और यहाँ पर आर ऑप्शन है स्थलीय पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित और अगुणित बहुकोशिकाओं के दोनों अवस्थाएं होती हैं। और यहाँ पर एस एस ऑप्शन है युग्मक निर्माण में अर्धसूत्रण नहीं समसूत्रण होता है, अर्धसूत्रण नहीं समसूत्रण होता है। राइट ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन की तरफ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये अलग आप लोग फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ये देख सकते हैं पी एवं क्यू सही, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है क्यू एवं आर, और सी ऑप्शन है पी क्यू एवं आर या फिर पी क्यू आर एस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा पी क्यू आर एवं एस, यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन ये आप लोग देख रहे हैं ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुछ आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूजिंग है, ये आप बाद में अच्छे से समझ सकते हैं आप अपने डाउनलोड करके। यहाँ पर कुछ इस प्रकार फिर दे रखा है उन्होंने सूची वन एवं सूची टू के को नीचे दिए गए कोड के अनुसार मिलान कीजिए। इसमें भी कुछ कंफ्यूजिंग सा रहता है, अब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज हम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि बाद में इसके चक्कर में अभी नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ये आप इसमें ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इस पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। निम्न में से सेरेटोली कोशिकाएं के क्या कार्य हैं, सेरेटोली कोशिकाएं के क्या कार्य हैं। निम्न में से फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है कि अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शुक्र जननीय कोशिकाओं के विकास की सुरक्षा, और शुक्राणु कोशिका और शुक्राणु पूर्व और शुक्राणु का पोषक, और विकास को प्रकृति के साथ अधिक शुक्राणु कोशिका द्रव्य एवं कोशिकन। और यहाँ पर ई ऑप्शन जो दे रखा है वो देख रहा है शुक्राणु जन्य कोशिकाओं की गति का नियंत्रण और शुक्र जनन नलिकाओं के अवकाशिकाओं में शुक्राणु का मोचन। मतलब निम्न में से सेरेटोली कोशिकाओं का क्या कार्य है, जो सेरेटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका कार्य क्या
क्या होता है। तो उनका कार्य, अभी हम आपको बताते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने, चार ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रख रहा है ए बी डी एंड ई, और यहाँ पर बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ए बी सी एंड ई, और मतलब ये चारों ऑप्शन मतलब कार्य के रखेंगे, या फिर बी सी डी एंड ई, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख रखा है ए बी सी डी एंड ई, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी ये तीनों ही कार्य करेंगे। आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, ये खासकर प्रीवियस ईयर्स में 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है कि कीड़ों में कीड़ों और जानवरों को आकर्षित करने की कीड़ों और जानवरों को आकर्षित आकर्षित करने के लिए पुष्प का कौन सा भाग सुगंधित होता है। कीड़ों और जानवरों को आकर्षित मतलब जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, मतलब विच विच पार्ट ऑफ फ्लावर इन ऑफ्टेन सीक्रेट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ एनिमल्स। पंखुड़ी, जो पंखुड़ी होती है नहीं, जो जो पंखुड़ी होती है, और या फिर पुतंतु जिसे फिलामेंट बोलते हैं, या फिर अंडा जैसे कार्पेल बोलते हैं, या फिर ओवरी जैसे अंडाशय बोलते हैं, जो कीड़ों और जानवर जैसे जो जो कीड़े नहीं होते हैं, जैसे भंवरा हो गया वो फूलों पर जैसे कैसे मतलब आता है सुगंधित, जो मोह उसे कर देता है। तो इसका राइट ऑप्शन है अंडा पर मतलब कार्पल, जो जो अपनी ओर आकर्षित करता है वो होता है कार्पल, उसकी कार्पल से। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 7 पूछ रहा है कि युग्मक, क्वेश्चन नंबर युग्मक के हस्तक्षेप के बिना युग्मक को दिव के से भ्रूण के विकास को कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जेंटोफाइटा विथआउट ऑफ द इंटरवेंशनल गैमेट इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें देख रहा है एपोस्पोरी मतलब आप बीजाणुता, या फिर अप युग्मन, या फिर असंग जनन, और यहाँ पर डी ऑप्शन है यहाँ पर अस्पोरोजेमी मतलब एस्पोरोगेमी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यही ऑप्शन जो फर्स्ट होगा, एस्पोस्पोरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एस्पोस्पोरी। तो इसे बिना खटक हो के आपको आंसर लगा देना है एस्पोस्पोरी, या फिर इसकी ऑप्शन हिंदी पे इस प्रकार भी आ सकता है जैसे अप बीजाणुता के ऑप्शन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि स्तनपात करने वाली माँ आमतौर पर गर्भ धारण नहीं कर पाती है। यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है, यहाँ पर फिर एक बार हम रिपीट करके पढ़ाते हैं इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, कि यहाँ पर स्तनपान करने कराने वाली माँ स्तनपान कराने वाली माँ आमतौर पर गर्भ धारण नहीं कर पाती है, क्यों, व्हाट इज द रीजन। गोनेड्रोपिक ट्रॉपिक की लुप्तांग गता के कारण, या फिर गोनेट्रोपिन के अतिस्रावण के कारण, या फिर युग्मन अभिगमन की लुप्तांगता के कारण, या फिर निषेचन की लुप्तांगता के कारण। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गोनेडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन्स होता है जो अतिस्रावण के कारण ये गर्भ नहीं कर पाते हैं, या एक हार्मोन्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय जिम्मेदार है। क्रॉसिंग ओवर इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये ऑप्शन है जीनों के प्रभावित के लिए, एलिन के विसंयोजन के लिए, या फिर सहलग्र जीनों के पुनर्योजन के लिए, या फिर जीनों के मध्य सहग्रता के लिए।
जो द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय जिम्मेदार कौन होता है? एलिन के बी संयोजन के लिए, मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी ऑप्शन, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 10 की तरफ। तो 10 में पूछ रहा है जीनों का स्वतंत्र जीनों का स्वतंत्र अव्यवहन होता है, इंटरप्रेटेंस असोस्टमेंट ऑफ जेंट अक्योर एट समसूत्रण के मध्यावस्था में, या फिर यहाँ पर ऑप्शन सेकंड है अर्धसूत्रों के प्रथम मध्यावस्था में, या फिर सी ऑप्शन अर्धसूत्रों के द्वितीय मध्यावस्था में, या फिर कोशिका विभाजन के पश्चात अवस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी अर्धसूत्रण के प्रथम मध्यावस्था में, यानी जीनों स्वतंत्र रूप से किसमें रहते हैं, होते हैं, वो होते हैं अर्धसूत्रण के प्रथम मध्यावस्था में 100%। जो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए जल्दी से, और अच्छा से कमेंट भी कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि मासिक चक्र की शुरुआत से हार्मोन स्त्रावण का सही क्रमानुसार क्या होता है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सीक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मेनस्ट्रुएशन इज ए ऑप्शन है FSH प्रोगेस्टेरोन इंक्रीज एंड्रोजन, यहाँ पर और एस्ट्रोजन FSH प्रोजेस्टेरोन, सी ऑप्शन है यहाँ पर FSH एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पर डी ऑप्शन है वो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन FSH। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए FSH प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये राइट आंसर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि जो बरसड़ के उत्पादन के बाद शुक्राणु प्रवासन का सही क्रमानुकान है, जो बरसड़ के उत्पादन के बाद शुक्राणु प्रवासन का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन में शुक्राणु जनन नलिका अधिभ्रसण शुक्रवाहन या मूत्रशय, जिसे हम इसी यूरेथ्रा बेस डिफरेंस एपिडेलमिस एवं सेमिनिफेरस ट्यूबल एपिडेविडाइमिस बेस डिफेंस अल्थ्रा एवं सेमी डिफेंस ट्यूबर, या फिर शुक्रजन नलिका शुक्रवाहन अधिभ्रसण या पर यूरेथ्रा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, लगा दीजिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सही क्रम है वो यही है सेमिनिफेरस ट्यूबल एपिडाइमिस एवं बेस डिफेंस एवं अर्थरा, राइट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आ गया है समूह वन और समूह सेकंड को मिलान कीजिए, मतलब मिलान सही कीजिए, रिसीव ईपी पिस्टेटेड डोमिनेटिंग पिस्टेट एवं डुप्लिकेट रिसीव एपिसिस्टिक एंड डेमिटेंट ऑफ रिसीव एपिसिस्टिक, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर अप्रभावी प्रबलता प्रतिलेय प्रवरता अप्रभावी प्रबलता, यहाँ पर कुछ जो 12 अनुपात 3 अनुपात 1, यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन पे ज़्यादा गौर ना करते हुए राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, जो कि हम आपको टिक लगाकर अभी दिखा रहे हैं, यानी पी का हो जाएगा 4 और क्यू का हो जाएगा 1 और यहाँ पर आर का हो जाएगा 5 और यहाँ पर एस का ऑप्शन हो जाएगा 1 और ये सारे छूटेंगे, ये वाला 3 ऑप्शन ये गलत हैं। तो आपको सही अच्छे से टिक करना है, क्योंकि आपका एक मिस्टेक आपका
जो क्वेश्चन आपके दो चार अंक खत्म कर सकता है। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और 2020 एग्जाम जो भी आपको GSBM मेडिकल कॉलेज या फिर किसी भी, जैसे आप BHU का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ना, कि आपको घबराना नहीं है एग्जाम में कि हाय ऑनलाइन है, उससे कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि इजिप्ट प्रक्रिया से संबंधित में सही कथन चुनिए। इजिप्ट प्रक्रिया के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इजिप्ट प्रोडक्शन प्रोसीड्योर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर मादा दाता के एकत्र मादा दाता के एकत्र अंडाणु को योगमनज के निर्माण के लिए स्थानांतरित किया जाता है। ओवर कैलेडेड फ्रॉम द फीमेल डोनर, ट्रांसमिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट। सेकेंड ऑप्शन है जायगोट ऑफ कॉन्सलेट फ्रॉम द फीमेल डोनेट और ट्रांसमिशन ऑफ द एल्फॉइड एल्फॉइड ट्यूब, जायगोट जायगोट ऑफ द कॉलिड कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनेट एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द एट्रस, ओवर कॉलिड ओवर कॉलिड कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन टू एज द एट्रस। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। राइट ऑप्शन मतलब जायगोट, राइट ऑप्शन यहाँ पर जायगोट ऑफ द कलेक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेड टू द अर्थरा अर्टस, राइट ऑप्शन था सी ऑप्शन। बिल्कुल राइट लगा लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इम्पोर्टेंट, मानव अनुवांशिक मानचित्र मानव गुणसूत्र की संख्या का भौतिक मानचित्र बनता है। द ह्यूमन जेनेटिक्स मैप कंस्ट्रक्शन और ए फिजिकल मैप ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 24 24, यानी 24 24 आप लोगों को पता है 24 24 का बनता है इसका मान 24, यहाँ नीचे भी 24 नीचे भी 24। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जैसे आपको मिलेगा 20 20 का ऑप्शन, 22 22 का, 24 24 का और 26 26 का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है 24 24 के ऑप्शन पर। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है कि वह गुणसूत्र विचलन का प्रकार को जीन की संख्या को नहीं बदलता उसे कहते हैं। वह गुणसूत्र विचलन का प्रकार जो जीन की संख्या को नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर विलोपन। सेकंड ऑप्शन है द्विगुणन, और जो थर्ड ऑप्शन है प्रतिलोमन जिसे इन्वर्जन कहते हैं, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रतिलोमन, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेफिक्र होके प्रतिलोपन प्रतिलोमन सॉरी प्रतिलोमन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर ये वाला टॉप ये क्वेश्चंस आप लोग ये वाला ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अत्यंत अद्वित डीएनए अंगुली छाप होता है। मतलब हर एक व्यक्ति का एक डीएनए अंगुली छाप होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अलग होते हैं। क्या होते हैं? समसूत्र में मिनी सेलेटाइट की संख्या, या फिर गुणसूत्र में मिनी सेटेलाइट की स्थान, गुणसूत्र में मिनी सेटेलाइट का माप की माप, या फिर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी। तो आपको हमेशा क्वेश्चन आपको ये देखना है, अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी या फिर ऑल ऑफ दीज बोलता है 100% क्वेश्चन यही कंफर्म है। क्योंकि ज्यादा ये रखा ही क्यों जाता है ऑप्शन, इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उपयुक्त सभी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ये तीनों ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि पराजीवी महाकल्प के दौरान से काल में पहले कशेरुकी प्रकट हुए। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डेवोनियन, और बी ऑप्शन है यहाँ पर आर्डोविशियन, और यहाँ पर सी ऑप्शन है यहाँ पर मीसी सीपियन, और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी ऑप्शन है दे रहा है क्या सीलूट्रियन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी आर्डोविशियन। इसका राइट हो पूरा जीवी महाकल्प के कौन सा काल में कशेरुकी प्रकट हुई
हुए वो हुए थे आर्डोवीसियन में, जिसे ऑर्डोवीसियंस भी कहते हैं इंग्लिश में, ऑर्डोवीसियन हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं कि मानव के विकास के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसने गुफाओं के दीवार पर चित्र बनाए थे, मतलब मानव के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए थे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर नियडर स्थल मानव, या फिर जावा ऐप मानव, या फिर यहाँ पर है क्रोमोग्राफ मानव, या फिर पेंकिंग मानव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा सी, यहाँ पर क्रोमोजेनन मानव, क्रोमोगेन्स मानव, जो कि होता है जो बहुत थोड़ा बेहतर, जो कि ये पूर्व नाम है हमारे पूर्वजों के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट की तरफ 20 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर 5-ARO3 एक्सोन्यूक्लेज सक्रियता, और यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर 3.5 एक्सोन्यूक्लेज सक्रिया, और यहाँ पर 5-ARO3 एंडोन्यूक्लियस सक्रिया, 5-ARO3 पॉलीमरेज सक्रिया। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा, 20 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 3-ARO सक्रिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ दी लिस्ट सेकंड ऑफ सिलेक्ट ऑफ करेक्ट आंसर जैसे द कोड गिवन बिलो, यहां पर सही मिलान कीजिए। यहां पर क्वेश्चन में यही दे रहा है कि व्यवस्थित जाति, संभाषी जाति, या फिर समस्तिक जाति, या फिर पैरा पैटिक जाति। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पी का सेकंड दे रहा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर यहाँ पर क्यू का 1 दे रहा है, आर बराबर 3 दे रहा है, और एस बराबर 4 दे रहा है। तो इसका आपको राइट ऑप्शन पर चलता है, तो इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पर 3 ऑप्शन, यानी पी का होगा फर्स्ट और क्यू का होगा सेकंड और 4, मतलब ये सामने ही सामने ये सारे ठीक हैं, ये सामने ही सामने दे रखा है, तो ये कभी कभार सामने भी ठीक हो जाते हैं आंसर, ना कि आपको उल्टे सीधे नहीं लगाने, अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आंसर आपको देना है। अब चलते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, डीएनए टेम्पलेट का, डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज एक दिशीय एवं द्विदिशीय, या फिर द्विदिशीय प्राइमर की सहायता से, या एक दिशीय प्राइमर की सहायता से। करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर एक दिशीय सहायता से, ए ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसे यूनिकेशनस केनल कह सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, लाइसोसोम प्रेजेंट ऑफ प्रेस्पिरेशन सलीवा एंड ट्रेस एंड डेस्ट्रो, मतलब पसीना लार और आंसू में उपस्थित लाइसोसोम नष्ट करता है सभी विषाणु को, कुछ कवकों को, या कुछ प्रकार के जीवाणु को, या फिर अधिकांश विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को। तो आप लोगों को 100% पता होना चाहिए पसीना और लार आंसू किसको खत्म करते हैं, वो जीवाणु जिसे बैक्टीरिया इंग्लिश में बोलते हैं। करेक्ट, करंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया राइट ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 24 क्वेश्चन तरफ चलते हैं, तो 24 क्वेश्चन से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कैंसर कोशिकाओं के अमरत्व का मुख्य कारण माना जाता है, निम्न में से कैंसर की मुख्य अमरत्व, जो कैंसर में मुख्य उसका कारण क्या माना जाता है, अत्यांश का संपूर्ण अच्छय, या फिर टिलामोरीज प्रकीज की निष्क्रियता, या फिर सी ऑप्शन यहाँ पर टीलोमेरीज प्रकीर्ण एवं पुनर्कर्षण, और यहाँ पर अत्यासन का छोटा होना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ने टीलोमेरेज प्रकीर्ण का पुनर्सक्रियण होना, राइट ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टीकाकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने द्वारा विकसित की गई थी, जो टीका की खोज सबसे पहले किसने की गई थी, फर्स्ट ऑप्शन लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, या फिर कार्ल लेडिस्टर्न, या फिर
मास्टर द्वारा, तो टीका का आप लोगों को पता ही होगा जो लुईस पाश्चर द्वारा ही इसकी खोज की गई थी, तो सॉरी एडवर्ड जोनर द्वारा। तो सॉरी मैं थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी शाम को पढ़ता रहा तो इसीलिए मेरे दिमाग में लुईस पाश्चर नहीं चढ़ा रहा, तो सॉरी इसके लिए एडवर्ड जेनर होगा। राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। हम आपको अभी दिखा दें, राइट ऑप्शन इसका बी होगा, एडवर्ड जेनर द्वारा इसकी जो टीकाकरण की अवधारणा सर्वप्रथम खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एचआईवी निम्नलिखित में से किस विषाणु परिवार से संबंधित रखता है, रियो वायरस से या फिर लेटी विषाणु से या फिर तौगा विषाणु से, तौगा वायरस से या फिर एडो वायरस से, एडेनो वायरस से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, टेन लेटी विषाणु जो कि एचआईवी। आप लोग समझ सकते हैं एचआईवी निम्नलिखित में से किस विषाणु से परवर संबंधित रखता है, वो होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रे, वो होता है लेटी विषाणु जिसे कहते हैं लेंटी वायरस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि शुद्ध वंश क्रम नस्ल क्या दर्शाती है। पूरे लाइन ब्रीन रेफर टू केवल विषम युग्मकता, केवल समयुग्मकता या फिर समयुग्मकता एवं स्ववर्गीकरता। और इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दे रहा है विषम युग्मकता एवं सहलग्रता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल समयुग्मकता, ओनली समयुग्मकता मतलब हेमोगाइटोसिटी ओनली। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है ओजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है राइसोसोमियम या फिर साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोराइजा या फिर ह्यूमस की अधिक मात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साइनोबैक्टीरिया। जो अजोला उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। बोटुलिनम अविस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह एक तंत्र अवधि है या फिर सेकंड ऑप्शन है या एक जल में घुलनशील वह अविष है या फिर यह ग्राम पॉजिटिव आयुष जीवी है, फिर बीजाणु द्वारा उत्पादित किया जाता है या फिर उपयुक्त तो सभी। तो इसका मैंने आपको पहले बताया था, तो राइट ऑप्शन इसका होगा उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। दो भिन्न जीवों के रिस्ट्रिक्शन एंडोनुकेजन जो डीएनए के एक ही अनुक्रम को विदलित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समदीर्घ खंड या फिर नवदीर्घ खंड या फिर संश्रृंखला अवयव व्यव और या फिर बिलो नमक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा समदीर्घ खंड जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समदीर्घ खंड राइट ऑप्शन था, पहला ऑप्शन सही था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक अनुवांशिक अभियंत्रित सूक्ष्म जो तेल फैलाव के जैव पुनर्माध्य में सफलतापूर्वक प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा या फिर सीडोमोनास वेसिलस या फिर जेंथोमोनास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सीडोमोनास मतलब एक अनुवांशिक अभियंत्रित सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव से पुनर्जन्म में सफलतापूर्वक होता है, वो होता है सीडोमोनास राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शब्द परिस्थिति समकक्ष दर्शाता है तुलनीय भूमिकाओं के साथ प्रजातियों के समूह प्रजातियां जो
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक ही स्थान पर रहती हैं। आवास की विविधि या फिर सामाजिक व्यवहार जो जनसंख्या में अन्य व्यक्तियों की फिटनेस को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, मतलब प्रजातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थान ही पर रहती है। मतलब शब्द परिस्थिति समकक्ष दर्शाता है, जो शब्द परिस्थिति समदर्श कहलाता है वो एक ही स्थान पर मतलब जो रहती हैं प्रजाति उसे वो एक स्थान पर वो भौगोलिक क्षेत्र में एक ही स्थान पर रहती हैं उन्हें परिस्थिति कहते हैं, मतलब शब्द परिस्थिति समकक्ष द्वारा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन सा सही विकल्प हुआ? यह केवल तालाब परिस्थितीय तंत्र में पाया जाता है, यह भारत संबंधों के अंतर्बंध को दर्शाता है, यह एक आवास में जीवों की संख्या दर्शाता है, यह केवल महत्वपूर्ण जीवाणुओं को दर्शाता है। जो खाद्य जाल के लिए सही विकल्प इसमें कौन सा है? इसमें सही विकल्प है बी ऑप्शन, यानी यह भारत संबंधों के अंतर्बंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है दचीगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये जनरल से पूछा जाता है, ये जनरल से है क्योंकि आप लोग बहुत सारे पूछते हैं कि सर जीके से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के जीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ये जीका का क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम में, नई दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब दचीगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेमी भुजा वाले वर्ग ABCD, मतलब एक चार कोने वगैरह ABCD चार कोने बिंदु जैसे Q1, 2μC यहाँ पर इस प्रकार का दे रखा है। तो यहाँ पर स्थित वर्ग में वर्ग के मध्य उपस्थित बन μC आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? 3.6N होगा या फिर 7.2 होगा या 0.N N होगा या फिर 0 होगा। तो जो लगने वाला बल होगा हमेशा 0 होगा, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये ऑप्शन एक भी सही नहीं होंगे जैसे ये रखे हैं इसमें। धातु के दो असंयुग्म गोलों की त्रिज्या है। धातु के दो गोले हैं जिसकी क्रम संख्या है R तथा 2R है और जिनमें उन्हीं समान आवेश Q है और गोलों की सतह पर तुरंत बाहर ऊर्जा घनत्व होगा। UA एरो UB यहाँ पर अपनी तरफ यहाँ पर कम ज्यादा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा UA एरो UB, मतलब UA अपनी ओर मतलब ज्यादा होगा और UB कम होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ चार संधारित्र चित्र के अनुसार जोड़े दिए गए हैं, जैसे बिंदु X और बिंदु Y के तुल्य हैं। संधारित्र का मात्र निज्ञात कीजिए, संधारित्र भी 100% क्वेश्चन आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हाँ अभी हम आप चलते हैं, यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित चित्र में जब तीनों को ही आउट इनपुट का मान शून्य है और जब तीनों का मान एक ही आउटपुट होगा, फर्स्ट ऑप्शन 1.1, 0.1, 0.1 या फिर 1.0, यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी 1.0 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक वाहन का जो डी ग्राफ का जनरेटर है उसके जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जा सकने वाला विभवांतर है अनेक वोल्ट वाला या फिर अनेक सत वोल्ट वाला या फिर अनेक सहस्त्र वोल्ट वाला या फिर अनेक मिलियन वोल्ट वाला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो एक गाड़ी होती है उसका जो जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है वो होता है अनेक मिलियन वोल्ट द्वारा, मतलब अनेक मिलियन वोल्ट विभवांतर करता है।
यानी डी ऑप्शन बिल्कुल टाइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये फैसा फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो कि आप लोग यहाँ पर शो देख रहे हैं। यहाँ पर दो ओमीय चालकों में बी वन ग्राफ चित्र में दिखाए गए हैं। जी चालक ए वन एवं चालक दो प्रतिरोध अनुपात होगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन एरर कॉस टेन थीटा या फिर टेन थीटा एवं टेन थीटा टू या फिर टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा वन कॉट थीटा वन इंटू कॉट थीटा टू राइट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप लोग यहाँ पर एक जो देख रहे हैं मानचित्र में द्वारा विष्ट में सर्व सेतु यहाँ पर इस प्रकार कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आप लोगों को अभी तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता बट मैं कुछ दिनों में सॉल्व करवा दूंगा आपको ये सारे। इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं हम। हाँ यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं वो केमिस्ट्री के 68 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री पूछ रहा है कि आयोडोफार्म को सिल्वर के चक्र चूड़ के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। मीथेन बनता है इथेन बनता है या फिर एस्टीन बनता है या फिर इथाइलीन बनता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि आयोडोफार्म को सिल्वर के चूड़ के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। एसिटिलिन बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि सिफ्ट अभिकर्मक का गुलाबी रंग किसके साथ बना रहता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा कीटोन के द्वारा ईथर या फिर एल्डिहाइड के द्वारा। तो जो सिप्ल का जो गुलाबी रंग होता है वो किसके द्वारा बना होता है वो एल्डिहाइड के द्वारा बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि लासेंगनेस परीक्षण निम्नलिखित में से किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन या सल्फर क्लोरीन या फिर उपयुक्त सभी। तो हमने पहले ही बताया था जो कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा उपयुक्त सभी। तो 100% ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्राणियों के यकृत में संग्रहित होता है। एमाइलोज सेलुलोज एमाइलोप्रोक्टोज या फिर ग्लाइकोजन। तो जो निम्नलिखित बहुलक प्राणियों में संग्रहित होता है वो होता है ग्लाइकोजन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि NiCO4 में निकल परमाणु का संकरण क्या होगा sp2sp3 या फिर dsp2 या फिर sp3d। इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी परमाणु की। इसका राइट ऑप्शन होगा sp3 यानी NiCO4 में निकल परमाणु की संकरण क्या होगा sp3। 100% इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आप लोगों को कोई लापरवाही नहीं करनी है। तुरंत आपको अच्छे से ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपका बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में लेथेनाइडस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है। 2, 3, 4, 5। तो लेथेनाइड में सबसे ज्यादा अवस्था पाई जाती है 3 में। ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है वो होती है 3 में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटिनम अम्ल राज को में घुलने पर क्या बनता है। प्लेटिनम कैल्शियम 4 या फिर H2PTM वो प्लेटिनम Cl या फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा H2PT मतलब प्लेटिनियम और कैल्शियम 6 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है C2H2 में अल्फा एवं पाई बंधों की क्रमशः संख्या क्या होगी। एक होगी एक एक पॉइंट दो होगी 2.1 होगी या फिर 5.2 होगी या फिर 3.2 होगी। जो C2H2 में तो हमेशा यहाँ पर C2 और H2 में हमेशा 2 होगी यानी 3 और 2 3 × 2 होगी। आंसू गैस है मतलब ट्राई गैस इज। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीटोन एथाइल कार्बोन या फिर क्लोरोपिक्रिन या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा
राइट ऑप्शन सी होगा, क्लोरोपिक्रिन राइट ऑप्शन है। निम्न में से प्रति अम्ल है, क्या है? टी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, MgOH2 एल्कोहल मतलब AlOH3 MgCO3 या फिर उपयुक्त सभी। तो जहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन देखे आपको, तो यहाँ पर बिना टिक का ही टिक कर देना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लोबुलर प्रोटीन उपस्थित होती है रक्त में, केराटिन में या फिर हड्डियों में या फिर मांसपेशियों में, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो हमेशा केराटिन में उपलब्ध होती है, वो सॉरी रक्त में उपस्थित होती है, ब्लड में जिसे कहते हैं ब्लड में। अब निम्नलिखित में किसका प्रयोग पेंट में होता है, पेंट जो पेंट करते हैं दीवारों पर, तो उसका प्रयोग किसमें होता है, टेरिलिन में, नायलन में, जिसे गिल्पट में या फिर क्लोरोफ्रिन में। तो इसका राइट ऑप्शन है गिल्पटल में। टू एसिटोक्सिन बेंजाइन अम्ल कहलाता है, एंटीनोसेप्टिक, एस्प्रिन, एंटीबायोटिक या फिर मार्डेंट डाई। राइट ऑप्शन क्या है, टू एसिडोक्सिन बेंजाइन अम्ल बंध कहलाता है, एस्प्रिन में, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सिनावर है CuS Ag2S या फिर ZnS या फिर HgS। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अकार्बन बेंजीन है, BN, BF4, B2H6, B3, HN3, H6। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा B3N3H6, राइट ऑप्शन होगा, अकार्बनिक बेंजाइन है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं, बायोलॉजी में पूछ रहा है कि विटामिन 12 में धातु उपस्थित होता है, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन 12 इज आयरन, मैग्नीशियम, कोवाल्ट या फिर मरकरी। जो विटामिन 12 की धातु किसमें उपस्थित होती है, वो होती है कोवाल्ट में उपस्थित होती है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, निर्जल सीएल थ्री का प्रयोग होता है ओल्टर अभिक्रिया में या फिर ओल्टर फिटिंग अभिक्रिया में या फिर कैनिजारो अभिक्रिया में या फिर फ्रीडेल फाइट अभिक्रिया में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जो निर्जल AlCl3 का प्रयोग होता है हमेशा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल में के ब्रोमिनीकरण पर प्राप्त होगा, ब्रोमोफिनॉल या फिर ब्रोमोफिनॉल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन एकदम राइट होगा, मतलब 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर टेफलाइन एक बहुलक है, मतलब टेफलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, एसिटोनाइड डल या फिर ट्रोटा फ्लोरोइथिन। राइट ऑप्शन इसका होगा ट्रेटा फ्लोरोइथिन, राइट ऑप्शन डी होगा, राइट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कम से कम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को ध्यान रहे इसकी PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और अच्छे से आप घर पर भी स्टडी करें और वीडियो भी रेगुलर हमारी देखते रहें, जिससे कि आपको अनुभव हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन किसमें कितने आते हैं, हम आपको पर डे आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो हाई होप अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ज़रूर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को जो की गए हैं तो उन्हें भी बता देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अच्छे वीडियो में। कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बता दें, हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।